अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कूल इलेक्ट्रिकल पॉइंट। आज ये सीलिंग फ़ैन है जो कि चलते हुए शोर करता है और काफ़ी ज़्यादा शोर करता है। मैं आपको चला के या घुमा के दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए, और इसका सलूशन मैं आपको साथ साथ बताता हूं कि इसका सलूशन क्या है। गाइस, मैंने इसे वायर लगा ली है, अब इसे मैं चला के दिखा देता हूँ कि किस तरह का इसके अंदर से शोर निकल रहा है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। गाइस, इसके अंदर से आपको शोर की आवाज़ आ रही होगी, और ये जब अभी तो मैंने सीरीज़ पे चलाया, आप देख रहे हैं अगर इसे हम डायरेक्ट चलाएं तो ये अच्छा खासा शोर करेगा। ठीक है गाइज, आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये शोर कर रहा है। मैं आपको करीब इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह आवाज़ आ सके। चले, मैं इसे खोलता हूँ और उसके बाद हम इसे देखते हैं। ठीक है गाइस, ये मैं खोल चुका हूँ, इसका जो अगला टापा था ये मैंने खोल दिया, ये देखिए मेरा। ठीक है, बैरिंग इसके अंदर ही है, ये मौजूद है इसके अंदर, बैरिंग इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, और ये मैंने एक नया बैरिंग रखा, ठीक है, नया बैरिंग निकाल के इसे यहाँ पे रख के चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा लूज़ है, इसे यहाँ पे फंस के जाना चाहिए था, ये बहुत ज़्यादा लूज़ है जिसकी वजह से ये शोर करता है इसका। ये देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा खला आ चुका। ये चीज़ हम ख़त्म करेंगे तो इसका नोज़ यानी कि शोर भी ख़त्म हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर इसका कुछ करते हैं, यहाँ पर स्पॉट्स लगाते हैं हल्के हल्के चारों तरफ। स्पॉट्स लगाने के बाद इसे यहाँ पे फिट करेंगे और ये अच्छी तरह बैठ जाएगा, तो उसके बाद दोबारा फिट करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, इसके चारों तरफ आपको ये नज़र आ रहे हैं, स्पॉट्स मैंने लगा दिए हैं चारों तरफ। ठीक है, तो इसके बाद हम बैरिंग रख के देखते हैं कि आया कि ये सही बैरिंग बैठ जाएगा, फंस के बैठेगा या नहीं। ये बिल्कुल आगे नहीं जा रहा, ये बिल्कुल आगे नहीं जा रहा, इसका मतलब है कि हमारा अब बैरिंग बिल्कुल फंस के बैठेगा। ठीक है, ठीक है गाइस, ये मैं बैरिंग डाल चुका हूँ, अब ये बाहर नहीं आ रहा, ये बिल्कुल अच्छी तरह फंस चुका है। ठीक है, इसके बाद हम इसकी फिटिंग करते हैं। ठीक है गाइस, ये मैं फिट कर चुका हूँ, अब इसके बाद हम इसे चला के चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, मैं ये तार लगा चुका हूँ, अब क्या करते हैं कि इसे हम चला के चेक कर लेते हैं। ठीक है गाइस, ये अब इसका टुक 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 वाला शोर ख़त्म हो चुका हुआ है, अब ये बिल्कुल ठीक हो चुका हुआ है। इसका जो प्रॉब्लम था सिर्फ खला का प्रॉब्लम था। ठीक
ठीक है गाइस, आपको उम्मीद है कि मुकम्मल वीडियो से आपको मुकम्मल समझ आ चुकी होगी, और दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।